डॉक्टर्स गार्डन चैनल में मैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने बुद्धा बांस और गोल्डन बांस जो बैम्बू है उसके कलेक्शन के बारे में बताऊंगा। ये मेरा बुद्धा बांस है, देखिए करीब 6-7 साल पुराना है इस गमले में। इससे हमने प्रोपगेट किया है इस गमले में भी यहाँ, तो इसमें जो है छोटी छोटी जो गांठें होती हैं बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और इनसे जो निकलते हैं सूट्स वो देखिए नए सूट्स जो हैं इस तरह से उनमें कवर रहता है, और वो भी इतने अच्छे हरे हरे हैं अभी। ये पीला हो रहा है, ये हरे हैं, और ये इसी तरह से इसमें से बढ़ते जाते हैं और छाया काफ़ी देते हैं। ये दूसरा भी है गमला जिसमें कि हमने प्रोपेगेट करके लगाया था, उसमें देखिए सूट्स निकल रहे हैं नए, और ये देखिए काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी विकसित हो रहा है, बहुत सा निकला हुआ है, करीब 10-12 निकले हुए हैं। एक मदर प्लांट है इसका जो कि अब सूख गया है कंप्लीट, इसको निकाल देंगे। बाकी इसको प्रोपेगेट करना भी बहुत आसान है, इसलिए कि इसकी जो डालियां होती हैं उसको पुराने पेड़ की डालियों को यहाँ से देखिए यहाँ से काट करके इसको जो है लगा देने से इसको इस तरह से काटा जाए कि उसमें थोड़ा गांठ का हिस्सा जो है नष्ट ना हो, नुकसान ना हो, और उसके बाद उसको काट करके और इस तरह से इस गमले में हमने लगाया था 8-10 मिनट लगाया था। इसमें से काफ़ी सूख गए लेकिन 4 बचे हुए हैं, उसमें एक देखिए अपने से निकल रहा है सूट, ये बड़ा होगा इस तरह से और काफ़ी मोटा होगा लगता है, नीचे से ही लग रहा है मोटा होगा, और छोटे भी बोनसाई जैसे हैं तो भी अच्छे लगते हैं, और इनकी गांठें बहुत अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और ये छाया बहुत देते हैं। इनकी छाया से फ़ायदा है कि इनको इनके नीचे वैसे गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो बहुत से आपके प्लांट हैं जिनको कि छाया में रखना है, तो घर में कितना प्लांट रखेगा आदमी, तो इनकी छाया में भी बहुत से प्लांट जो है इनके पीछे रख देने से धूप का असर नहीं होता है और नमी बरकरार रहती है उन पौधों को, इसलिए वो भी अच्छी तरह से बढ़ते हैं। दूसरा है मेरा गोल्डन बैम्बू। गोल्डन बैम्बू जो कि आसामी बैम्बू भी कहा जाता है, इसमें देखिए नीली नीली धारियां होती हैं, इनमें ये लंबा लंबी गांठें इनकी दूर दूर होती हैं और ये नीली धारियां होती हैं इनमें, ये देखिए पीले बांस में नीली धारियां अच्छी लगती हैं देखने में। ये काफ़ी बड़ा होता है, उससे ज़्यादा बड़ा होता है ये बुद्धा बैम्बू से। ये गोल्डन बैम्बू है जिसको कि हमने प्रोपेगेट करके लगाया है एक और गमले में, यहाँ देखिए ये देखिए हरी हरी हरा रंग का लाइनिंग है, पीले बांस में हरी लाइनिंग काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, और ये भी काफ़ी छाया करता है, और इनका रख रखाव बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत इनमें नाइट्रोजन, चूँकि घास प्रजाति का ये पौधा है इसलिए इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन के लिए हमको NPK वगैरह हम नहीं डालते हैं, चाय की पत्ती देते हैं इसमें डालते हैं, जिससे कि इसको काफ़ी नाइट्रोजन मिल जाता है, और चाय की पत्ती को अच्छी तरह से धो करके खूब 5-7 बार पानी बदल करके उसका, और उसको खूब सुखा करके तब इसके बाद इसमें देते हैं, 1-2 महीना पर एक बार चाय का पत्ती हम दे देते हैं, उसी से इसको खाद मिलती है और नाइट्रोजन मिलता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और ये काफ़ी सुखी रहता है, देखिए काफ़ी छाया भी करता है इस तरह से, और ये मेरा बोनसाई भी इस तरह से बढ़ रहा है, पूरा गमला घेर लेगा और गमले में पूरा हो जाएगा, और इससे छोटे छोटे पौधे जिसकी गांठें हैं इस तरह से देखिए बहुत अच्छा लगता है देखने में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।